अब जरा बात भारत की नई शिक्षा नीति की हो जाए। भारत की शिक्षा के सॉफ्टवेयर में 34 साल के बाद अपडेट आया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1986 के बाद से देश की शिक्षा नीति में कोई बदलाव हुआ ही नहीं था। जिस दौर में मोबाइल के सॉफ्टवेयर हर 6 महीने में बदल जाते हैं, वहां शिक्षा में 34 साल के बाद बदलाव आया, तो बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ये सच है, ऐसा हो रहा है। आपने इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कल से खूब सुना होगा, अखबारों में आज पढ़ भी लिया होगा, लेकिन क्या आपको समझ में आया? सच्ची बात बताइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक इस नई शिक्षा नीति को सरल और आसान भाषा में किसी ने आपको समझाया ही नहीं है, किसी ने आपको ये बताया ही नहीं है कि शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद स्कूली बच्चों के भविष्य में बदलाव क्या आएगा। हमने कोशिश की है और हमने शिक्षा नीति को दो हिस्सों में बांटा है। पहली है स्कूली शिक्षा और दूसरी है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा पर हमारी ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। JUNGU क्या हुआ? फरवरी। हमारे देश के स्कूलों से जब भी ऐसे वीडियो आए, हमारी शिक्षा नीति पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। शिक्षा के इसी स्तर की वजह से हमेशा हमारी एजुकेशन पॉलिसी की आलोचना होती रही है। 34 साल तक जो नीति अपडेट नहीं होगी उसमें जंग तो लगेगा, इसीलिए अब सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया है। शिक्षा नीति में बहुत से ऐलान हुए हैं और बहुत से कंफ्यूजन भी हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात स्कूली शिक्षा की। अभी पूरे देश में स्कूली पढ़ाई 10+2 के ढांचे में चलती थी, अब स्कूली पढ़ाई 5+3+3+4 होगी, यानी आपके बच्चे की स्कूली शिक्षा के 15 वर्षों को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कैसे ये समझ लीजिए। पहले 5 साल में प्री स्कूलिंग या आंगनबाड़ी के 3 साल और कक्षा 2 तक की पढ़ाई होगी। दूसरा है अगले 3 साल कक्षा 3 से 5वीं तक की पढ़ाई, अगले 3 साल 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई और फिर 4 साल कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। अब ये समझिए कि इन सब में बदलाव क्या हुआ है। सरकार 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे के लिए एक अलग पाठ्यक्रम बनाएगी जिसमें खेलकूद और एक्टिविटीज ज्यादा शामिल होंगी। इसके बाद 1ली से 3री कक्षा तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। 9 साल तक के बच्चे की बेसिक साक्षरता और बेसिक संख्या ज्ञान पर फोकस किया जाएगा। कक्षा 6 से बच्चे का विषयों से परिचय करवाया जाएगा। 9वीं के बाद अब आर्ट, साइंस या कॉमर्स जैसी स्ट्रीम खत्म हो गई। छात्र चाहे तो वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। अभी जो रिजिड सेपरेशन है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है अगर आप स्पोर्ट्स में चले गए, ये को करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने डिबेटिंग कर ली, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, या वोकेशनल सीखना चाहते हैं तो वो नॉन एकेडमिक है। वो सारा जो सेपरेशन है वो हट जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, एकेडमिक्स, एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम लेवल। सरकार ने एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी जैसे किसी भी विषय को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही नई शिक्षा नीति में एक नई चीज भी है, ये है वोकेशनल कोर्सेज। हिंदी में मतलब हुआ व्यवसायिक शिक्षा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 6 से बच्चे की वोकेशनल क्लास शुरू होगी। उसे स्थानीय शिल्प या व्यापार के बारे में बताया जाएगा। साल में 10 दिन बच्चा लोकल क्राफ्ट और ट्रेड में इंटर्नशिप भी करेगा। इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट पर्सन है या ट्रेड पर्सन है, वहाँ जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहाँ जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट ट्रेड क्या है। अब जरा बोर्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं। पूरे देश की स्कूली शिक्षा में बोर्ड की परीक्षाओं का दबाव बहुत ज्यादा होता है, कई बच्चे तो इस वजह से आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस दबाव को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाएं कम करने के तरीके बताए गए हैं। बोर्ड एग्जाम 2 भागों में होंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। साल भर में 2 बार एग्जाम होंगे। रट कर पढ़ने के बजाय समझने पर ज्यादा जोर होगा।
नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय या मातृभाषा पर ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हिंदुस्तानी छात्रों के ऊपर से अंग्रेजी का हवा कुछ कम हो। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो पांचवीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, हो सके तो आठवीं तक भी ऐसे ही क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी स्कूलों में अब हिंदी में पढ़ाई होने लगी। ये भाषाएं तब जिंदी रहेंगी जब क्षेत्रीय वहाँ का व्यक्ति उनको बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो ही तो जिंदी रहेंगी। इसलिए इस नई शिक्षा नीति में जो पहली पांचवी तक की जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में, वो अपनी क्षेत्र की भाषा में होगी, और यही मांग भी रही है हमेशा सबकी। सरकार ने इसमें साफ साफ कहा है कि जहां तक संभव हो वहां ऐसा किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति से सरकार की कोशिश बुनियादी शिक्षा में बदलाव लाने की, लेकिन उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसे प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने वाला बताया है। ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से बाहर है। ये पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देगी। तो नई शिक्षा नीति में अब वक्त हो गया हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के नए फॉर्मेट को जानने की। देखिए, भारत की उच्च शिक्षा को लेकर हमेशा से ये आलोचना हुई है ना कि पढ़ाई किताबी होती है, उसका जीवन में व्यवहारिक इस्तेमाल हो ही नहीं पाता है। नई शिक्षा नीति में इसके व्यवहारिक पक्ष पर फोकस होगा। बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा सामाजिक ज्ञान की बातें सिखाई जाएंगी, लेकिन हायर एजुकेशन पर मुख्य फोकस रिसर्च और इनोवेशन पर रखा गया है, और इसीलिए एक रिसर्च फाउंडेशन भी बनाई जाएगी। दावा तो यह है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद भारत की शिक्षा विश्व स्तर की हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अगर किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो वो साल बर्बाद नहीं होंगे। अभी ऐसा होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। बैचलर प्रोग्राम अगर एक साल बाद छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल में छोड़ना पड़ा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, तीन साल में डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा ये और समझ लीजिए। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो तीन साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो चार साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, इसके बाद एक साल का एमए और फिर सीधे पीएचडी कर सकते हैं। रिसर्च करने वाले छात्रों को अब एमफिल की जरूरत नहीं होगी। डिग्री प्रोग्राम के लिए अब छात्र कोई भी सब्जेक्ट मेजर या माइनर के तौर पर चुन सकते हैं। आसान भाषा में उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे समझा रहे हैं। आज की जो व्यवस्था है कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनका कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी। नई शिक्षा नीति में और भी व्यवस्थाएं की गई, जैसे तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर पाएंगे। देश में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF का गठन होगा। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत में अपना कैंपस खोल पाएंगी। GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालयों को ग्रेड के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी। सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक जैसे नियम कायदे होंगे। उच्च शिक्षा के लिए अब एक ही रेगुलेटर यानी नियामक रहेगा। चार में से एक छात्र केवल कॉलेज की पढ़ाई कर सकता है। अब 50% छात्र उस उम्र के कॉलेज में जाए यह हम देखेंगे। इसका मतलब दुगुना अवसर मिलेगा और दुगुना उसका